गुजरात की राजधानी गांधीनगर देश के सबसे सुनियोजित शहरों में से एक है एक मई 1960 को जब गुजरात का गठन हुआ तब अहमदाबाद उस राज्य की राजधानी बनी पाँच साल बाद दो अगस्त 1965 को एक नया शहर बसाया गया ये शहर था गांधीनगर यही शहर राज्य की राजधानी बना इस शहर का नाम गांधीनगर क्यों पड़ा वो भी दिलचस्प है दरअसल गांधी जी जिस राज्य से आते हैं जिस गुजरात से आते हैं उनकी याद स्थायी बनी रहे उसको बनाए रखने के लिए इस शहर को ये नाम दिया गया अमर उजाला के विशेष चुनावी कार्यक्रम सीट का समीकरण में आज हम इसी गांधीनगर की गांधीनगर लोकसभा सीट के बारे में बात करेंगे गांधीनगर लोकसभा सीट देश की सबसे चर्चित सीटों में से एक है कई दिग्गज यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते हैं इस सीट का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है इसमें कई ऐसे नाम हैं जो आप जानते हैं और उन नामों में कई ऐसे रहे हैं जो प्रधानमंत्री पद तक भी कोई पहुंचा है तो कोई उप प्रधानमंत्री रहा है इन नामों में अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी अमित शाह जैसे नाम शामिल हैं अमित शाह इस वक्त गांधीनगर के मौजूदा सांसद हैं पिछले चुनाव में शाह यहाँ से बड़ी जीत दर्ज करके लोकसभा पहुँचे थे और पहली बार लोकसभा पहुँचे थे अब आइए जान लेते हैं कि गांधीनगर सीट का इतिहास क्या कहता है यहाँ पर कब कौन जीता इस सीट पर कैसे समीकरण रहे हैं कौन से दिग्गज यहाँ से लोकसभा पहुँचे हैं और मौजूदा समीकरण क्या कहते हैं इस बार किस तरह के समीकरण बन रहे हैं और कौन यहाँ से उम्मीदवार बनाया जा चुका है 1965 में जब गांधीनगर जिला बना उसके दो साल बाद उन्नीस में लोकसभा के चुनाव हुए गांधीनगर सीट तभी अस्तित्व में आई उस वक्त यह एक सुरक्षित सीट थी तब यहाँ से कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और पार्टी की तरफ से उतारे गए एस एम सोलंकी इस सीट के पहले सांसद बने थे उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार के यू परमार को उनतीस वोटों से हराया था 1971 के लोकसभा चुनाव में एस एम सोलंकी एक बार फिर जीते इस बार उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन ये वो धड़ा था ये वो दौर था जब कांग्रेस दो हिस्सों में बटी थी वो ओल्ड गार्ड्स की एक अलग कांग्रेस थी इंदिरा जो कि अपनी ही पार्टी में बगावत करके उन्होंने एक अलग कांग्रेस बनाई थी वो हिस्सा जो इंदिरा के धड़े वाला था उस धड़े से नरसिंह भाई करसन भाई मकवाना यहाँ से चुनाव लड़े थे और उनको तीन वोटों से हरा दिया था क्योंकि सोलंकी उस वक्त ओल्ड गार्ड वाले हिस्से के उम्मीदवार थे 1977 में आपातकाल के बाद जब चुनाव हुए तो देश के ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस को बुरी तरह हार मिली और ये सीट जो गांधीनगर की थी यहाँ भी कांग्रेस हारी और पहली बार कोई गैर कांग्रेसी दल यहाँ से चुनाव जीतकर लोकसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व कर किया उस चुनाव में भारतीय लोकदल के पुरुषोत्तम के गणेश मावलंकर ने कांग्रेस उम्मीदवार गोविंद भाई पटेल को साठ मतों से शिकस्त दी थी 1980 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार वापसी की और गांधीनगर सीट पर भी कांग्रेस को जीत मिली कांग्रेस के अमृत लाल यहाँ से जीते उन्होंने गणेश मावलंकर को उनचास हजार से ज़्यादा वोटों से हरा दिया था उन्नीस वो दौर जब इंदिरा की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर चल रही थी कांग्रेस को एक बार फिर गांधीनगर सीट से जीत मिली इस बार यहां से जी आई पटेल ने जनता पार्टी के इंदु भाई पटेल को दो हजार वोटों से हराया था गांधीनगर सीट पर उन्नीस की कांग्रेस की यह जीत कांग्रेस की आखिरी जीत थी इसके बाद कांग्रेस यहां से कभी जीत नहीं सकी उन्नीस का जब चुनाव आया तो गांधीनगर की हवा बदल चुकी थी कांग्रेस का गढ़ रही है सीट भगवा रंग में रंगने को तैयार थी और ये पहला चुनाव था जब गांधीनगर की लोकसभा सीट पर भाजपा को जीत मिली पार्टी के उम्मीदवार थे शंकर सिंह वाघेला वही वाघेला जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री भी बने जिन्होंने भाजपा से भी बगावत की कांग्रेस में भी रहे अपनी पार्टी भी बनाई भाजपा में वापस भी गए फिर भाजपा से आए वो वाघेला उन्होंने कांग्रेस के कोकिला व्यास को दो लाख अड़सठ हजार चार सौ बानवे वोटों के भारी अंतर से हराया था गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले ये उनकी एक बहुत बड़ी जीत थी उन्नीस के बाद एक तरह का वो समय था जब पहली बार जनता दल की सरकार बनी वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने समर्थन मिला उन्हें भाजपा का और ये दौर वो दौर था जब राम लहर या राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था इसी दौर में लाल कृष्ण आडवाणी एक रथ यात्रा लेकर निकलते हैं जो कि गुजरात से चलती है सोमनाथ से गुजरात के चलकर अयोध्या जिसे जाना होता है लेकिन ये यात्रा बिहार में रोक दी जाती है रोकने वाले लालू प्रसाद यादव होते हैं जो वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं जनता दल के नेता होते हैं वही जनता दल जिसका समर्थन भाजपा केंद्र में कर रही थी केंद्र में वीपी सिंह की सरकार इस घटना के बाद गिर जाती है एक नए सिरे से चुनाव की दस्तक दिन शुरू होती है हालांकि बीच में इस सरकार के गिरने के बाद कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर नए प्रधानमंत्री जरूर बनते हैं लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं लंबी ये सरकार नहीं चल पाती है और उन्नीस आते आते नए सिरे से चुनाव होते हैं इस चुनाव में गांधीनगर सीट देश की सबसे चर्चित सीटों में शामिल हो जाती है कारण बनते हैं वही लालकृष्ण आडवाणी जो गुजरात से रथ यात्रा लेकर निकले थे यहाँ से लाल कृष्ण आडवाणी को भाजपा अपना उम्मीदवार बनाती है इस सीट से भाजपा के उम्मीदवार लाल कृष्ण आडवाणी एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करते हैं कांग्रेस के जी आई पटेल को वो एक लाख पच्चीस हजार छः सौ उन्यासी वोटों से हरा देते हैं इक्यानवे में जब आम चुनाव हुए उस वक्त से लेकर हर बार जब भी गांधीनगर सीट पर चुनाव होता है जब भी आम चुनाव आते हैं गांधीनगर सीट देश की सबसे चर्चित सीटों में शामिल होती है इक्यानवे से लगातार कभी आडवाणी कभी अटल कभी अमित शाह यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार बनते रहे हैं और जीतते रहे हैं आइए एक बार फिर लौट कर चलते हैं इक्यानवे के बाद के चुनावों पर उन्नीस के जब चुनाव होते हैं तो यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के उम्मीदवार बनाए जाते हैं अटल जी उस वक्त प्रधानमंत्री पद का चेहरा होते हैं बीजेपी का अटल जी न सिर्फ गांधीनगर से बल्कि लखनऊ की सीट से भी उम्मीदवार होते हैं अटल जी को दोनों सीटों पर जीत मिलती है लखनऊ में भी और गांधीनगर में भी गांधीनगर में अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस उम्मीदवार पोपट लाल वी पटेल को एक लाख अट्ठासी हज़ार से ज़्यादा वोटों से हराते हैं गांधीनगर की सीट जीतने के बाद लखनऊ की सीट पर भी जीत दर्ज करने की वजह से अटल जी को एक सीट छोड़नी होती है नतीजों के बाद अटल जी प्रधानमंत्री बनते हैं उनकी सरकार महज तेरह दिन में गिर जाती है लेकिन अटल जी को एक सीट चुननी थी दो में से एक वो सीट होती है लखनऊ की सीट जिसका वो प्रतिनिधित्व जारी रखते हैं लेकिन गांधीनगर की सीट से इस्तीफा दे देते हैं और इसके बाद जो उपचुनाव होता है वहाँ पर एक बार फिर भाजपा अपना कब्जा बरकरार रखती है विजय पटेल गांधीनगर के नए सांसद बनते हैं अट्ठानवे का वक्त आता है एक बार फिर से लाल कृष्ण आडवाणी वापस से गांधीनगर की लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरते हैं इस बार आडवाणी के सामने कांग्रेस के पी के दत्ता थे चुनाव के नतीजे आए तो भाजपा गांधीनगर सीट से एक बार फिर जीतने में सफल होती है आडवाणी की जीत का अंतर पिछली बार से काफी ज्यादा हो जाता है और इस बार वो दो लाख छिहत्तर हजार सात सौ एक वोट से जीत दर्ज करते हैं इसके बाद का वो दौर आता है जब बीजेपी की सत्ता आती है और आडवाणी प्रधानमंत्री के बाद सबसे ताकतवर मंत्री बनते हैं अब बात 1999 की ये वो दौर था जब महज तेरह महीने के बाद अटल जी की सरकार गिर जाती है नए सिरे से चुनाव होते हैं और इस चुनाव में भी गांधीनगर सीट से लालकृष्ण अडवाणी मैदान में होते हैं लेकिन इस बार उनका मुकाबला किसी आम कांग्रेस कार्यकर्ता से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े चेहरे से होता है वो चेहरा जिसे कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था वो होते हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन शेषन ये वही टी एन शेशन हैं जिन्होंने उन्नीस के दशक में चुनाव सुधारों के लिए बहुत कुछ किया और बहुत कुछ उनकी वजह से जो हम आज का चुनाव की तस्वीर देखते हैं वो हमें दिखाई देती है टी सेशन चुनावी राजनीति में आते हैं लेकिन जिस तरह की पारी वो चुनाव आयुक्त के तौर पर खेलते हैं वैसी पारी चुनावी राजनीति में नहीं खेल पाते हैं और गांधीनगर सीट पर उन्हें एक लाख अट्ठासी हज़ार नौ सौ चवालीस वोटों से हार का सामना करना पड़ता है आडवाणी एक बार फिर यहां से जीत कर लोकसभा पहुंचते हैं और केंद्र सरकार में मंत्री बनते हैं मंत्री के साथ साथ उप प्रधानमंत्री भी इसी टर्म में वो बनते हैं जब उन्नीस से 2004 का वो दौर था जब आडवाणी यहाँ से सांसद थे और केंद्र में अटल जी की सरकार थी 2004 के चुनावों में आडवाणी एक बार फिर यहाँ से जीतते हैं वो इस बार उनकी जीत दो लाख सत्रह हजार से ज्यादा वोटों की होती है तो 2009 में वो कांग्रेस के सुरेश पटेल को एक लाख इक्कीस हजार से ज्यादा वोटों से हराकर फिर से यहाँ से जीत दर्ज करते हैं 2009 ये वो दौर है जब आडवाणी भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा थे हालांकि पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिलने के कारण आडवाणी पीएम इनवेटिंग इन वेटिंग ही रह गए 2014 आते आते बहुत कुछ बदल चुका था न सिर्फ सत्ताधारी कांग्रेस के लिए बल्कि भाजपा के लिए भी भाजपा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर प्रधानमंत्री पद का चेहरा उन्हें बनाती है और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ती है हालांकि इस चुनाव में भी गांधीनगर सीट से लाल कृष्ण आडवाणी ही मैदान में होते हैं इस बार के चुनाव में आडवाणी कांग्रेस के किरीट भाई पटेल को चार लाख तिरासी हजार एक सौ इक्कीस वोटों के भारी अंतर से हराते हैं समझिए एक लाख दो लाख के अंतर को बढ़ाते बढ़ाते करीब करीब पांच लाख का यह अंतर पहुंच चुका होता है 2014 में बीजेपी के लिए इतनी मजबूत ये सीट हो चुकी होती है अब बात कर लेते हैं पिछले चुनावों की यानी दो के लोकसभा चुनावों की दो के लोकसभा चुनावों में यहां से उस वक्त के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पार्टी के उम्मीदवार बनाए जाते हैं अमित शाह को वो जगह भरनी थी जो लंबे समय से आडवाणी जी ने यहाँ पर ले रखी थी हालांकि अमित शाह के लिए ये जो जगह है ये जो सीट है गांधीनगर लोकसभा सीट पहले से ही बहुत कुछ जानी पहचानी सी सीट थी गांधीनगर सीट पर अमित शाह बहुत लंबे वक्त से काम कर चुके थे और उनके लिए कुछ भी यहाँ नया नहीं था कारण एक ही था कि आडवाणी राष्ट्रीय नेता थे और आडवाणी वहाँ लड़ने ज़रूर जाते थे लेकिन उस पूरे मैनेजमेंट को देखने वाला जो चेहरा था वो चेहरा अमित शाह होते थे उन्नीस से लेकर 2009 तक हर चुनाव में चाहे वो आडवाणी जी वहाँ से उम्मीदवार हों चाहे उन्नीस में अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ से उम्मीदवार हों इन दोनों नेताओं का चुनाव का जो पूरा प्रबंधन होता है वो अमित शाह ही देखा करते थे तो इस तरह से 2019 की जो लड़ाई अमित शाह के लिए होती है यहाँ पर कोई बहुत नई चीज़ नहीं होती है उस गांधीनगर से वो पूरी तरह परिचित होते हैं और वहाँ के लिए एक बार एक अपने नेता को चुनने का मौका होता है और इस बार अमित शाह भी यहाँ से एक रिकॉर्ड जीत दर्ज करते हैं उन्नीस से 2017 तक गुजरात के विधायक रहे अमित शाह दो में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं जीतते हैं और जीत का अंतर बहुत बड़ा होता है करीब करीब 70 फीसदी वोट अकेले अमित शाह को पड़ते हैं और वो जीत का जो अंतर करीब 5 लाख के पास पहुंचाया था लाल कृष्ण अडवाणी ने उसे और बढ़ा देते हैं अमित शाह और उनकी जीत का अंतर होता है पाँच लाख सत्तावन हजार चौदह वोटों का दूसरे नंबर पर कांग्रेस के सीजे छावड़ा रहते हैं 2019 में भाजपा दोबारा सत्ता में लौटती है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अब देश के गृह मंत्री बनते हैं प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में जो सरकार बनती है उसमें अमित शाह गांधीनगर से जीत कर आए अमित शाह को गृह मंत्री बनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है उसमें जुलाई 2021 में एक नए मंत्रालय का गठन होता है सहकारिता मंत्रालय और उस मंत्रालय के पहले मंत्री भी अमित शाह बनते हैं इस तरह से आप देखें कि एक बार अमित शाह जो कि लंबे समय तक विधायक थे पहली बार सांसद बनते हैं और देश के गृह मंत्री बनते हैं और वो सीट उनकी जो पहली सीट जहाँ से वो जीत करा रहे हैं वो गांधीनगर सीट है एक बार फिर 2024 के चुनाव की तरफ अब चले तो यहाँ से गांधीनगर सीट से अमित शाह पर भगवा लहराने की जिम्मेदारी होगी क्योंकि पार्टी ने इस बार भी उन्हें गांधीनगर सीट से उम्मीदवार बना दिया है यहाँ के मौजूदा समीकरण को अगर बात कर लें तो आप देखेंगे कि 19 में कितनी बड़ी जीत दर्ज की थी अमित शाह ने 22 में यहाँ जब विधानसभा चुनाव हुए तो गांधीनगर लोकसभा के अंदर सात विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सात के सातों सीटों पर जीत दर्ज की थी तो भाजपा के लिए दो में यहाँ से जीत दर्ज करना कितनी बड़ी चुनौती होगी ये जब विपक्षी उम्मीदवार घोषित होंगे तब समझ में आएगा लेकिन किसी भी विपक्षी उम्मीदवार के लिए उन्नीस से जिस तरह से लगातार ये विजय चल रहा है उसे रोकना विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और उस नेता के सामने जो कि यहाँ से न सिर्फ जीतता है यहाँ से सांसद बना है बल्कि मंत्री भी है ये थी हमारी खास पेशकश सीट का समीकरण की आज की सीट गांधीनगर अगले एपिसोड में अगले किस्से में अगली सीट के बारे में जब हम बात करेंगे तो एक नई सीट को लेकर आएंगे और किसी चर्चित हस्ती की सीट को लेकर आएंगे तब तक, तक के लिए हमें दीजिए इजाजत अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें